फर्रुखाबाद को अप्रकाशी ऐसे ही नहीं कहा जाता। सुबह सुबह गंगा किनारे सैर को जाए तो दूर से ही घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देनी शुरू हो जाती थी। ये घटिया घाट पर सैकड़ों शिव भक्तों द्वारा गंगा स्नान के बाद की जाने वाली पूजा अर्चना की गूंज होती थी। फर्रुखाबाद के गली कूचे शिव मंदिरों से पटे पड़े हैं। सावन माह में हर सोमवार भक्तों का शिव मंदिर में आना जान शुरू हो जाता है। फर्रुखाबाद में शिव भक्ति का इतिहास रामायण काल से महाभारत काल तक का भ्रमण है, जो आज तक जारी है। शास्त्रों में इन कालों में वर्णित स्थलों की भौगोलिक स्थिति से शिव स्थलों की पुष्टि की जा सकती है। उदाहरण के लिए गंगा किनारे बसे एक चिकरा नगरी, पांडेश्वर मंदिर, गुणगावा मंदिर, आस्तीन आश्रम व धौम्य आश्रम की पुष्टि की जा सकती है। सन 1862 में पहली बार कनिंगम कंपिल आए और उनकी देखरेख में खुदाई हुई। उन्होंने प्रमाणित किया कि यही महाभारत में वर्णित कांपिल्य है। इसके पहले विदेशी भ्रमणकारी अल्बेरुनी, फायान आदि ने जो वृतांत दिए वो सब इस शहर को महाभारतकालीन होने की पुष्टि करते हैं। शहर के बागकुचा में शिव मंदिर वीरान पड़ा है। इसका निर्माण अमीनुद्दौला ने 1896 में कराया था। यह मंदिर शंकुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके अंदर देवी देवता विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर बस अड्डे पर भी स्थित था, जिसे ध्वस्त करा दिया गया। राय दीप चंद्र मोहल्ले में श्री रंगेश्वर मंदिर है, जो कहते हैं लगभग 300 वर्ष पुराना है। मोहल्ला अर्तियान में स्थित तामेश्वर मंदिर काफी पुराना व लोकप्रिय है। विकास खंड राजेपुर के गांव तुसौर में उसर बाले बाबा के नाम से एक शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह अष्टकोणीय मंदिर है। बाबा विश्वनाथ मंदिर बनारस के बाद दूसरा मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है। ये मुगल काल से पहले का है। ब्रिटिश पीरियड में इसे तोड़ने व हटाने की कई बार कोशिश हुई, इस पर गोलियां भी बरसाई गई थी। शिवलिंग पर इस बर्बरता के निशान आज भी मौजूद है। शहर के ग्राम निबलपुर में लगभग 300 वर्ष पुराना पंचमुखी महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं नागों का एक जोड़ा मंदिर की रक्षा करता है। नागिन अक्सर मंदिर के अंदर बाहर खड़े व चलते फिरते नजर आते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर सफेद पंचमुखी महादेव व सफेद पत्थर के नंदी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। फर्रुखाबाद से कुछ दूरी पर स्थित है रामायणकालीन चिंतामणि ताल। कहते हैं रामायण काल में मथुरा जाते भगवान राम के कहने पर शत्रुघ्न ने इसी तालाब में स्नान किया था। महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां आए थे। युधिष्ठिर ने इस तालाब का जल लेकर पंडेश्वरनाथ मंदिर पर जल चढ़ाया था। अत्रिऋषि ने यहां 55 दिनों तक तपस्या की थी। कनौज के राजा सोमदेव ने शमशाबाद के चौमुखे शिव मंदिर के दर्शन करने जाते वक्त यहां अनुष्ठान किया था। कन्नौज वापस लौट राजा सोमदेव ने चिंतामणि मंदिर का निर्माण कराया था। भरतपुर के राजा सूरजमल भी यहां आए थे और लौटकर अपने यहां एक ऐसा ही तालाब बनवाया था। द्रुत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद वनवास में पांचों पांडव व द्रौपदी धूमघाट 20 कोण का शिव मंदिर के आश्रम में रुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध सूर्योपासना मंत्र को यहीं पर सिद्ध कर सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त किया था। रेलवे रोड सड़क के बीचों बीच स्थित मठिया देवी मंदिर के पुनर्निर्माण के समय जब शिव लिंग को खुदाई कर बाहर निकाला गया, शायद ही किसी को इसका आभास हो कि यह शिव लिंग इतना भव्य और अपने में एक लंबा इतिहास संजोए होगा। लाल रंग से बने शिव लिंग की लंबाई 12 फीट, व्यास लगभग 3 फीट, लिंग पर पीछे लगभग 4 फीट लंबा सर्प है। लिंग के बीच पत्थर का आकार अष्टाकार है, नीचे का बेस आयताकार है। ये शिवलिंग साधारण शिवलिंग नहीं हो सकता। मथुरा का लाल पत्थर, पीछे नाग, बीच में अष्टाकार होने का मतलब है कि यह घरेलू मंदिर नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के प्रो तिवारी की शरण में देश के 5 मंदिरों पर अध्ययन किया गया था, जिसके शिवलिंग ईसा से 4 शताब्दी से 1 शताब्दी पूर्व के पके ब्रिक से बने प्रमाणित हुए थे। इसके आकार व साइज के आधार पर तुलना करने से देवी मठिया में प्राप्त शिवलिंग ईसा से 2 शताब्दी पूर्व का हो सकता है। अतीत में कायमगंज के आसपास गांवों में खेत जुताई करते अनेकों शिवलिंग मिले, जिन्हें मंदिरों के रूप में स्थापित कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार शहर में सैकड़ों शिव मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडित पड़े हैं। इनमें से काफी 200 वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं। पुरातत्व विभाग को इन्हें अपने अंडर में ले लेना चाहिए था। तो अब हमें समझ लेना चाहिए, ऐसे ही फर्रुखाबाद को अप्रकाशी नहीं कहा गया है।